गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी जनरल साइंस। इसमें हम रीडिंग पढ़ रहे हैं। रीडिंग का आज का अपना टॉपिक होगा वो ऑनलाइन शेयरिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन कार्य होते हैं इंटरनेट कंप्यूटर का क्या उपयोग है शैक्षिक क्षेत्र में और इसमें किस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो गतिविधियाँ संचालित होती हैं इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको अवगत करा दूँ कि हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें सेमिनार के और संगोष्ठी के क्या उपयोग है विभिन्न क्षेत्र में उसके अलग अलग उपयोग हैं उन उपयोगों के बारे में हमने व्याख्या कर ली थी। तो आज इसी का जो अपना टॉपिक है वो है ऑनलाइन शेयरिंग के बारे में, तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सामान्य रूप से फोन पर बोलकर बातें करने की प्रक्रिया देखी है सुनी जाती है। सभी लोग आज के जमाने में जो संचार साधनों के जो संचार के जो साधन हैं उनका सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। हर क्षेत्र में संचार के साधनों का अधिकतम से अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। जैसे मोबाइल फोन के द्वारा हम दूर बैठे हुए व्यक्ति से पल भर सेकंड में हम बात कर सकते हैं, तो उसको जो दुनिया का जो व्यापक स्वरूप है उसको एक सिकुड़तम रूप प्रदान कर दिया गया है। यानी हम वो दूरियाँ जो थी पहले जो दूरियाँ थी वो दूरियाँ वर्तमान में जो संचार के साधन हैं उन संचार के साधनों के द्वारा जो दूरियाँ हैं वो खत्म सी हो गई है। आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से लिखकर बातचीत की प्रक्रिया भी संपन्न की जाती है। जैसे हम चैट करते हैं अलग अलग टेलीग्राम चैट व्हाट्सएप चैट फेसबुक चैट जो अलग अलग चैट होते हैं उनके माध्यम से हम अपनी कोई समस्या होते हैं उस समस्या को लिखकर जो दूसरे देश के जो विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों से हम अपनी समस्या के बारे में जो समाधान के जो उपाय हैं उन उपायों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक शिक्षक अमेरिका में बैठे किसी विशेषज्ञ से अपना जो विषय है उस विशेषज्ञ से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है उसके लिए उसको चैटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि चैटिंग के माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति से हम अपने विषय से संबंधित जो सलाह है जो परामर्श है वो हम ले सकते हैं। इसके लिए उसको इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए। इसका जो माध्यम होगा जो संचार की जो उपकरण है संचार के जो उपकरण है कंप्यूटर व इंटरनेट। माइक्रोफोन होता है उस माइक्रोफोन में बोलकर हम उस समस्या को
ने याहू एमएसएन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनमें जो चैटिंग की जो प्रमुखता भूमिका रहती है, जैसे किसी समस्या के बारे में चर्च करना है तो हम कौन सी वेबसाइट पर जाकर चर्च करते हैं, या जिसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी जो ब्राउजर में, जो इस क्रिया में ऑनलाइन चैटिंग में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें कुछ वेबसाइटों की दी गई है, ये सब पढ़ेंगे। ब्राउजर या में याहू एवं याहू का नाम आता है और दूसरा है इसके अंदर वो हम जानते हैं, जो गूगल ऑनलाइन चैटिंग होती है उसको हम वीडियो जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको हम कन्वेंशन मीट के नाम से भी जानते हैं। वीडियो चैटिंग में व्यक्ति के हाव भाव एवं आंगिक प्रदर्शन को भी देखा जा सकता है। वीडियो में चैटिंग में व्यक्ति के हाव भाव एक व्यक्ति के साथ चैटिंग करने के लिए अनेक प्रकार के जो उपकरण है उन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जो ऑनलाइन चैटिंग होती है उसमें एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक समूह के साथ चैटिंग करने के लिए जो प्रक्रिया से संबंधित जो उपकरण होते हैं चैटिंग करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो उपकरण होते हैं नंबर एक पे है जो जिसको हम इंस्टेंट मैसेंजर के नाम से जानते हैं। जो हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं उन ऑनलाइन चैटिंग की प्रक्रिया के लिए जो उपकरण होते हैं, सबसे पहले इंस्टेंट मैसेंजर, दूसरा इंटरनेट रिले चैट, दूसरा है इंटरनेट रिले चैट, और तीसरा है एमयूडीएल MUDL। आज
माध्यम से ये उपकरण है जो इस प्रक्रिया को संपन्न करने में सहायता देते हैं। सबसे पहले इंस्टेंट मैसेंजर, दूसरा इंटरनेट रिले चैट एवं तीसरा है जो है MUDL आदि। ऑनलाइन चैट के द्वारा निम्नलिखित लाभ होते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षकों के लिए जो आवश्यक है। ऑनलाइन चैट के माध्यम से क्या क्या लाभ होते हैं जो ऑनलाइन चैटिंग है। ऑनलाइन चैट के लाभ क्या होते हैं कि ऑनलाइन चैट है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने में किस प्रकार से जो ऑनलाइन चैट है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में शिक्षक के काम आता है, उसके बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करें। आज की ऑनलाइन क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ऑनलाइन शेयरिंग क्या होती है, चैटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, कि व्यक्ति अपना मैसेज टाइप करता है इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कंप्यूटर इंटरनेट की रहती है, जिसमें व्यक्ति अपने मैसेज को टाइप करता है किसी भी कोने में बैठे दुनिया की जो उस विषय से रिलेटेड विशेषज्ञ है उससे संपर्क स्थापित कर वो ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से फिर समस्या को टाइप करता है और वहीं से उसका जो समस्या उसको पढ़ लिया जाता है और उसका जो समाधान है वो प्रस्तुत करने का जो व्यक्ति सामने व्यक्ति है उसको मार्गदर्शन देगा। इसमें जो याहू है, MSN है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो ब्राउजरों के रूप में कार्य करते हैं। वो याहू, MSN और बहुत सारे आजकल के जो ब्राउजर हैं, बहुत सारे ब्राउजर हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले था जो मुख्य भूमिका रहती है ब्राउजरों की वो थी याहू एवं MSN के द्वारा की जाती है। तो आज की ऑनलाइन क्लास से हम ऑनलाइन शेयरिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, वीक वीक चर्चा करेंगे। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑनलाइन चैटिंग के क्या क्या लाभ हैं शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।